नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट, सुबह की कुछ खास और कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसे सुनकर आपका दिन बन जाए। फराह खान बोली, के बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थे, हम आईफा रॉक्स में उन्हें ट्रिब्यूट देंगे। बॉलीवुड के बड़े अवार्ड फंक्शन आईफा का आयोजन किया गया है, इसमें इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटी लोगों को इंटरटेन करने के लिए रेड कार्पेट पर उतारेंगे। इस बार आईफा अवार्ड्स 2, 3 और 4 जून को यास आइलैंड्स में हो रहा है। 3 जून को आयोजित आईफा रॉक्स इवेंट की मेजबानी अपार शक्ति खुराना के साथ फरार खान कुंदन करेगी। फरार ने बताया कि इस बार आईफा में बप्पी लहरी और के को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। सिंगर के का 1 जून की रात कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उपचुनाव में धामी की बंपर जीत, कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को 55,000 वोट से हराया। बोले, जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया, उत्तराखंड में उपचुनाव के नतीजे आ गए। भाजपा नेता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 55,000 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी, सपा उम्मीदवार मनोज कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार हिमांशु गडकोरी को पछाड़ते हुए जीत का पंचनामा लहराया है। धामी को कुल 58,258 वोट हासिल हुए है, वही कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 3,233 वोट ही मिले हैं। एक तरह से कहे तो उनकी जमानत जब्त हो गई है। इधर सपा उम्मीदवार को 409 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 399 वोट मिले हैं। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, मोदी बोले, कभी समय मिले तो काशी देखने आइएगा। यूपी की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। लखनऊ में शुक्रवार को जीबीसी 3 यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 चल रही है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकलन और उनका समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। काशी का सांसद हूँ, आग्रह है कि समय निकालकर मेरी काशी को देखने के लिए आइए। पुरातन काशी इतनी नई नवेली हो सकती है, यह यूपी सरकार के संकल्प में ही संभव है। यूपी की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, कल मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज, क्योंकि सब जरूरी है। नमस्कार।